राहुल गांधी के बयान पर विवाद को अखिलेश ने बीजेपी की रणनीति बताया, कहा बोलूंगा तो सुनना। संसद सत्र के सातवें दिन मंगलवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान लोकसभा जाने के लिए निकले अखिलेश ने मीडिया से भी बात की और लोकसभा में अपने संबोधन को लेकर चर्चा की। उनसे पूछा गया कि वह किन मुद्दों पर सदन को संबोधित करेंगे। इस पर अखिलेश यादव ने जवाब में कहा कि बोलूंगा तो सुनना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी मुद्दे खत्म नहीं हुए हैं, अग्निवीर योजना, ओपीएस और किसानों के मुद्दे अभी भी कायम है। सरकार भले ही नहीं हो लेकिन मुद्दे पुराने हैं। राहुल गांधी के सदन में सोमवार को हुए भाषण और हिंदू पर टिप्पणी पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में हिस्सा लेते हुए राहुल ने अपने भाषण की शुरुआत भगवान शिव का फोटो दिखाते हुए, उन्होंने कहा कि भगवान शिव हमें डरो मत डराओ मत की शिक्षा देते हैं। साथ ही इस्लाम, ईसाई, बौद्ध और सिख धर्म भी हमें यही शिक्षा देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सदन में तस्वीर नहीं दिखाने की हिदायत के बावजूद राहुल ने कई तस्वीरें दिखाई। इस बयान पर विवाद। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर हिंसा, नफरत और डर फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ महापुरुषों ने संदेश दिया है कि डरो मत और डराओ मत, दूसरी तरफ जो लोग स्वयं को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा और नफरत करते हैं, ये लोग हिंदू नहीं है। इस बयान के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी ने सदन में कहा कि पीएम मोदी और भाजपा पूरा हिंदू समाज नहीं है, हिंदू समाज हिंसा नहीं करता, कभी नफरत और डर नहीं फैला सकता। राहुल ने कहा कि पंजाब के अग्निवीर जवान ने बारूदी सुरंग विस्फोट में जान गंवा दी, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिला। अग्निवीर इस्तेमाल करो और फेंक दो वाला मजदूर है।